हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल दिप्रेशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है मखाना फॉर बेबीज, मतलब बेबी को जो है मखाना वो आप कौन सी एज से उनको दे सकते हो, किस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सब आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो आपको कैसा लगा। तो बात कर लेते हैं मखानों की, बेबीज़ के लिए स्पेशली क्यों ज़रूरी है ये। मखाने जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फूड है बच्चों के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। क्या क्या होता है इसमें? इसमें प्रोटीन मिलता है आपको, कैल्शियम मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, विटामिन ए इसमें आपको मिल जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें मिल जाता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड मिल जाता है। तो बेसिकली बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चे को इससे मिल जाती हैं। मखाना आपको बच्चों की डाइट में ऐड करते रहना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी एज से आपको मखाना बच्चे को देना चाहिए। तो मखाना जो है, जैसे ही बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट होती है आप तभी से उसको मखाना दे सकते हो, मतलब आप वाटर से थोड़ा ऊपर आ गया। इनिशियली हम सॉलिड टाइम पे क्या करते हैं कि बच्चे को दाल का पानी देते हैं या चावल का पानी देते हैं। तो जिस टाइम पे वो उसने दाल और चावल या मैश्ड पोटैटो या ऐसा कुछ लेना स्टार्ट कर दिया है, या प्यूरी फॉर्म में वो सूजी की खीर या सूजी का हलवा ये सब अभी ले रहा है, तो आप मखाना उसकी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो मतलब आफ्टर 6 मंथ्स जब बच्चे ने थोड़ा सा मैश्ड चीज़ों को लेना शुरू कर दिया, तो आफ्टर 6 मंथ्स आप बच्चे को मखाना जो है वो दे सकते हो। एज के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आपको मखाना देना है। तो जैसे बेबी बहुत छोटा है तो आप थोड़ा सा उसको प्यूरी फॉर्म में दे सकते हो। बच्चे थोड़े बड़े हैं जिनके दांत आ गए हैं जो चबा सकते हैं, तो एज ए स्नैक आप उनको दे सकते हो। या ड्राई फ्रूट पाउडर हम बनाते हैं तो उसमें भी आप घी में अच्छे से रोस्ट करके उस ड्राई फ्रूट पाउडर में डाल सकते हो। तो बहुत सारे तरीके से मखाना बच्चे को दे सकते हो। तो आफ्टर 6 मंथ बच्चे को आपको मखाना देना स्टार्ट कर देना चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्वांटिटी थोड़ी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। पहले आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ही बच्चे को दो। 3 डेज रूल ज़रूर फॉलो करो जब भी आप नई चीज़ कोई बच्चे को दे रहे हो। जैसे कि कोई भी नई चीज़ देनी होती है तो 3 दिन का रूल होता है कि जैसे मखाना आपने बच्चे को दिया तो आप 3 दिन तक थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि उससे बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो वो 3 डेज रूल को फॉलो करते हुए पहले थोड़ी कम क्वांटिटी लेते हुए, और बच्चे को वो सूट हो रहा है, बच्चा उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो धीरे धीरे आप थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, कि क्या बेनिफिट्स हैं मखाना के। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि किन किन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है मखाना बच्चे को देते टाइम। तो पहले बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कैल्शियम बच्चे को मिल जाता है। मखाना जब बच्चे लेते हैं तो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है ये। कैल्शियम बच्चों की बोन्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो मखाना बच्चों को इसलिए भी लेना चाहिए। विटामिन ए इसमें होता है, बच्चे की आँखों के लिए बहुत अच्छा है, तो विटामिन ए भी बच्चे को मिल जाता है। प्रोटीन बच्चे को बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, वो बच्चे की बोन्स को और बच्चे की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, तो प्रोटीन भी बच्चे को इससे मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स भी बच्चे को इससे मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट से बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तो जब बच्चा मखाना खाता है तो एकदम से एनर्जेटिक लगता है। जैसे बच्चा ट्यूशन से आया है या बच्चा खेल के आया है तो उस टाइम पे आप बच्चे को मखाना दो, उससे बच्चे को काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलती है। और फाइबर इसमें काफ़ी अच्छा बच्चों को मिल जाता है। फाइबर जो है बच्चों के पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें बच्चे को मिल जाती हैं, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो मखाना बच्चे को आपको देते रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब आप बच्चे को मखाना दे रहे हो, अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हर मदर जो है वो अपने बच्चे को बहुत हेल्दी फूड देना चाहती है, तो जब आप मखाने बच्चे को दे रहे हो तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मखानों को परचेस करें, तो स्पेशली बच्चों के लिए जब आप परचेस कर रहे हैं तो मखाने जो हैं वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, नॉन ऑर्गेनिक नहीं होने चाहिए, या कई बार ओपन मखाना भी शॉप पे मिल जाते हैं, आप वो प्लीज़ ना लें अगर आप इसको बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं। बेबीज़ के लिए आप ऑर्गेनिक ही यूज़ करें, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है बट उसमें केमिकल्स आपको नहीं मिलेंगे, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मखाने जब भी आपको बच्चे के लिए लेने हैं हमेशा ऑर्गेनिक लेने हैं। सेकेंड चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लें थोड़ा सा स्मॉल पैक ही ले लें, क्योंकि मखानों में जैसे मॉइस्चर चला जाता है तो मखाने जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको जितनी क्वांटिटी कंज्यूम होनी है उस हिसाब से आप बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही परचेज़ करें, और जब वो ख़त्म हो जाए तो आप और ले सकते हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा मखाने आपको लेने की ज़रूरत नहीं है।
थर्ड चीज़ है कि जब आप परचेज़ कर रहे हो तो एक्सपायरी का भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शॉप पे ओपन मखानस भी मिल जाते हैं, बट आपको वो नहीं परचेज़ करने हैं, आपको प्रॉपर एक ऑर्गेनिक मखाने लेने हैं। उस पर एक्सपायरी मेंशन होती है पैकेट के ऊपर, तो उसके एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ही आपको मखाने यूज़ करने हैं, तो उस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रख लें। फिर जब मखाने को आप बना रहे हैं तो उसको भी आप ध्यान रखें कि मखाने को आपको खोल के ज़रूर देखना है, मतलब उसको कट करके ज़रूर देख लें। हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग पूरा मखाना कोई एकदम घी में या तेल में फ्राई कर देते हैं, जिस हिसाब से भी हमें खाना होता है। पर एक्चुअली रूल यही है कि मखाने को आपको हाफ कट करके देखना चाहिए, क्योंकि जैसे काजू में आपने देखा होगा कि कीड़ा लग जाता है, उसमें वॉर्म्स होते हैं, तो ऐसे ही मखाना का भी केस है, मखाने में भी कीड़े हो सकते हैं। तो आप उसको कट करके ज़रूर देखें बच्चे को देने से पहले कि वो ठीक है, उसमें कीड़े तो नहीं है या उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, मखाने की मैंने आपसे पहले भी बात करी कि उसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो मखाने जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो जब आप शॉप से परचेज़ करते हो, जब आप घर में लाके उसको स्टोर कर रहे हो, तब भी वो एयर टाइट कंटेनर में होने चाहिए। फिर जब उसको निकाल रहे हो मखानों के किसी रेसिपी के लिए, तो उसका जार का ढक्कन अच्छे से बंद कर दें। जो मखाने आपने निकाल लिए हैं दोबारा से उसको उस जार में ना डालें, क्योंकि मैंने आपको बताया मॉइस्चर जब उसके अंदर चला जाता है तो मखाने ख़राब हो जाते हैं, मखानों के ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेसिपीज़ के बारे में कि किस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा कि आफ्टर 6 मंथ जब बच्चे की सॉलिड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तभी आप बच्चे को मखाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप छोटे से बेबी को मखाना किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसके दो तीन तरीके। पहला तो ये कि मखानों को जो है ड्राई रोस्ट कर लो, बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। जब आप उसको तोड़ के देखोगे तो वो एकदम क्रंची करके टूटना चाहिए। तो जब वो ड्राई रोस्ट हो गए हैं, उसके बाद में आप उसको उसका पाउडर बना लो, उसको मिक्सी में ग्राउंड ग्राइंड कर लो और उसका अच्छे से आप पाउडर बना लो। वो पाउडर आपका रेडी हो जाएगा और उसको आपको इमिजिएटली, जैसे ही आपने ग्राइंड कर लिया, जब आपने ड्राई रोस्ट करे, आप उसको थोड़ा सा ठंडा कर लो। ठंडा हो गया तो आपने उसको मिक्सी के जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड होने के बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होते ही इमिजिएटली आप उसको एक ग्लास के जार में डाल दो। ग्लास का जार जो है वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। मॉइस्चर को आपको बहुत दूर रखना है मखानों से, जब पाउडर फॉर्म में है तब भी, जब मखाने साबुत हैं तब भी। तो जैसे पाउडर बन गया आप एकदम से उसको जार में डाल देंगे, और एयर टाइट कंटेनर है तो ढक्कन आप अच्छे से उसका बंद कर देंगे। फिर वो पाउडर को आप यूज़ कर सकते हो। अब वो पाउडर को आप प्यूरी फॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पाउडर आपने लिया और आपने पानी उसमें डाल दिया तो थोड़ी सी प्यूरी बन जाएगी, वो आप बच्चे को दे सकते हो। उसमें या तो आप थोड़ा सा स्वीट ऐड कर सकते हो या थोड़ा सॉल्ट ऐड कर सकते हो। हालांकि 6 मंथ्स तक के बेबी को नमक और चीनी मना ही होता है, तो बच्चे को ऐसे भी आप दे सकते हो। वो पाउडर को थोड़ा सा दूध में आप गर्म करके बच्चे को दे सकते हो, तो भी बच्चा अच्छे से ले लेगा। फिर है कि मखानों की खीर भी आप बना सकते हो। मखानों को अगेन आपने थोड़ा सा घी लिया, उसमें आपने अच्छे से 4-5 दाने मखाने के रोस्ट कर लिए, वो अच्छे से रोस्ट हो गए। उसके बाद में आप उसमें पानी डाल दीजिए, वो अच्छे से गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे। फिर आप उसमें चीनी डाल सकते हो। अगेन जैसे आपने रोस्ट किया था, पानी की जगह पे आप दूध भी डाल सकते हो, तो वो मखानों की जो है खीर बन जाएगी। उसमें आप थोड़ा स्वीट डाल सकते हो, मतलब शुगर डाल सकते हो या जैगरी पाउडर डाल सकते हो। बेसिकली जिस भी फॉर्म में आपका बच्चा खाना पसंद करता है, तो एक हो गया पाउडर फॉर्म, एक हो गया खीर फॉर्म में। अब आप उसको पानी के साथ बना सकते हो नॉर्मली मैश करके, या आप उसको दूध के साथ बना सकते हो प्रॉपर खीर के फॉर्म में। तो जब आप दूध में बनाओगे उसको या उसको पानी में बनाओगे, तो वो मखाने अच्छे से उसमें गल जाएंगे, बच्चा इजीली उसको खा लेगा, बिल्कुल अच्छे से वो मैश हो जाते हैं। तो 6 मंथ्स का बेबी उसको आराम से खा सकता है। तो उस तरीके से भी आप बच्चे को दे सकते हो। फिर जब बच्चा आपका थोड़ा बड़ा है, जब उसके दांत आ गए हैं, जब वो अच्छे से चबा सकता है, तो मखानों का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप स्नैक फॉर्म में उसको दें, फिंगर फूड फॉर्म में उसको दें। क्या होता है कि 8-9 महीने के बाद हम बच्चे को खुद उसके हाथ से खाने के लिए कुछ खाने के लिए देते हैं, तो मखाने उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। घी आपने ले लिया, मखानों को आपको रोस्ट कर लेना अच्छे से, तब तक रोस्ट करना है। घी इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको डालना है, ताकि मखाने जो है वो घी में जाते ही बहुत ज़्यादा घी पी जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा घी रखिए, कम मखाने रखिए, थोड़े थोड़े ही रोस्ट करिए, आपको बहुत ज़्यादा एक साथ रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो घी में आपने मखाने रोस्ट कर लिए, अब वो रोस्टेड मखानों के ऊपर जैसे आपके बच्चे को टेस्ट पसंद है, या तो आपने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया या थोड़ा सा मिंट पाउडर आपने डाल दिया, बच्चा थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर आप डाल सकते हो। तो मतलब उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे बच्चा खाना पसंद करता है
उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो बच्चे का एक स्नैक रेडी हो जाएगा, बच्चा टीवी देख रहा है या बच्चा खेल रहा है या बच्चे को खुद कुछ खाने का मन है, तो उस टाइम पे आप बच्चे को वो ऑफ़र कर सकते हो। तो बिल्कुल क्रंची फॉर्म में वो होते हैं, जैसे आप बच्चे को चिप्स देते हो खाने के लिए, तो उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है कि आप मखाने बच्चों को दो, बच्चों को वो खाने बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो उस फॉर्म में भी आप बच्चे को दे सकते हो, स्नैक फॉर्म में, तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और ड्राई फ्रूट पाउडर में भी हम कई बार यूज़ करते हैं, बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा है तो हम ड्राई फ्रूट पाउडर उसके लिए बना के रखते हैं। तो कई बार ये क्या होता है कि जैसे हमने उसको दूध ऑफ़र किया, बच्चा अगर 1.5-2 साल से ऊपर है अच्छे अच्छे से चबा सकता है, तो ड्राई फ्रूट पाउडर आप बना लीजिए। उसमें ड्राई फ्रूट पाउडर की रेसिपी है चैनल पे, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। और उसी में आप रोस्ट करके थोड़े से मखाने भी डाल दो, तो वो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी बच्चे के अंदर चला जाएगा, उसके अंदर मखाने भी साथ में चले जाएंगे, और उसके साथ में 1 कप या 1 गिलास दूध आप बच्चे को दो, वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मखाने की और भी रेसिपीज आप गूगल कर सकते हो, और जो भी आपके बच्चे को अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, बट मखाना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, तो आपको बच्चे को ज़रूर से ज़रूर ये देना चाहिए, उसकी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि समर्स में आप इसको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में ना दें, क्योंकि बच्चे की बॉडी में ये हीट जनरेट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट एनर्जी देता है। विंटर्स के लिए ये बहुत अच्छे हैं, विंटर्स में आप दो बच्चे को जितना आप दे सकते हो, बट समर्स में क्वांटिटी का, हालांकि विंटर्स में भी आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी है, बट समर्स में आप जितनी विंटर्स में क्वांटिटी देते हो उससे और कम कर देना, क्योंकि बच्चे की बॉडी थोड़ी हीटेड हो जाएगी तो समर्स में उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत कम क्वांटिटी आपको समर्स में देनी है। तो आई होप ये मखानों से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।